नित नित बेहतर हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर बना मध्य प्रदेश के विकास का आधार स्तंभ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देशव्यापी चल रहे मिशन गति शक्ति को सार्थक रूप देता नया मध्य प्रदेश। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों से प्रदेश में 10,405 करोड़ रुपए की लागत की 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भोपाल एवं जबलपुर से शुरुआत हुई है। भोपाल में 8,038 करोड़ रुपए की लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास राजधानी के विकास को नई गति प्रदान कर रहा है। साथ ही जबलपुर में 2,367 करोड़ रुपए की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। भोपाल में हुए कार्यक्रम में NH-46 के अयोध्या बाईपास खंड का 6 लेन चौड़ीकरण, NH-146B के शाहगंज से बाड़ी खंड का 4 लेन चौड़ीकरण, NH-552 के मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से श्योपुर गोरस का 2 लेन सड़क निर्माण, NH-752C पर शुजालपुर बाईपास का 2 लेन सड़क निर्माण, NH-552 पर अटेर एवं भिंड बाईपास का 2 लेन सड़क निर्माण, NH-552 के गोरस से श्यामपुर मार्ग का 2 लेन सड़क निर्माण, NH-56 के दाहोद गुजरात सीमा से अम्बुआ खंड का 2 लेन सड़क निर्माण, NH-347A मुल्ताई से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा तक का 2 लेन सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास हुआ। वहीं जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में NH-539 के टिकमगढ़ झांसी सड़क पर स्थित जामनी नदी पर पुल का निर्माण, चंदिया घाटी से कटनी बाईपास तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य, NH-339 के बमीठा से खजुराहो हिस्से का 4 लेन चौड़ीकरण कार्यों का लोकार्पण एवं गुलगंज बाईपास से बारना नदी तक 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य, बारना नदी से केन नदी तक 2 लेन सड़क निर्माण, शहडोल से सगर टोला तक 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य, NH-44 के अंतर्गत ललितपुर सागर लखना दोन खंड में कुल 23 BUPs पुल सर्विस रोड का निर्माण, NH-44 के सुखतारा खुरई और खवासा में कुल 3 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, बंजारी घाटी NH-44 पर 2 ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य का शिलान्यास हुआ। परियोजनाओं से महाकौशल क्षेत्र के गेहूं और धान कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी आसान होगी। कटनी के कोयला खदान उद्योग को लाभ मिलेगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो ओरछा राष्ट्रीय पेंच टाइगर कॉरिडोर तक कनेक्टिविटी आसान होगी। बुधनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और वुड क्राफ्ट व्यापार को लाभ मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात और दिल्ली राज्यों के बीच व्यवसायिक एवं नागरिक यातायात सुगम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन के लिए उन्हें कोटि कोटि आभार।